दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर और ये आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। और सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी अमेठी से हार रहे हैं, अभी 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और तमाम जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो हार रहे हैं और मोदी की सुनामी में सारे कांग्रेसी धराशायी होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी 200 का आंकड़ा छू गई, वही कांग्रेस अभी 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पा रही है। अपने सहयोगी दलों के साथ बीजेपी 200 से ऊपर चली गई है। अभी 300 का सीटों का आंकड़ा आया है, 543 सीटों का आंकड़ा आना बाकी है। आप लगाइए कि राहुल गांधी हार रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हार रहे हैं, शशि थरूर हार रहे हैं केरल से, वहां बीजेपी के आगे चल रहे हैं, और खड़गे हार रहे हैं और मनीष तिवारी हार रहे हैं। तो तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस पार्टी के वो सारे हार रहे हैं। अशोक गहलोत के बेटे हार रहे हैं और मध्य प्रदेश के सीएम के बेटे हार रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि राज बब्बर हार रहे हैं, तमाम जो महागठबंधन था उसकी पूरी जो तिकड़म था वो फेल हो गया जनता के सामने। जनता ने भारी मतों से आगे बढ़ा रहे हैं और अमित शाह भारी बहुमत से गांधीनगर से आगे बढ़ रहे हैं। अभी शुरुआती रुझानों में अगर इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अमित शाह तो, और वहीं सबसे बड़ी जो बीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी गिरिराज सिंह की बेगूसराय, वहां से जो कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं उनको वहां की जनता ने करारा जवाब दिया और उनकी बुरी हार होने जा रही है। वो भी काफी पीछे चल रहे हैं और दिल्ली में भी गौतम गंभीर काफी आगे चल रहे हैं और गुरदासपुर से सनी देओल काफी आगे चल रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि चारों तरफ बीजेपी की लहर है, सुनामी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ में भी बीजेपी की काफी सीटें आ रही हैं। वहां पे आपको बता दें कि बिहार में भी बीजेपी काफी आगे है, 9 सीटों से आगे बढ़ रही, कांग्रेस केवल 2 सीटों पर। महाराष्ट्र में 30 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ रही, बीजेपी शिवसेना। पश्चिम बंगाल में 6, टीएमसी 7, कांग्रेस 3। तो यहाँ पे बहुत पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी बौखलाई हुई थी, ममता बनर्जी बौखलाई थी, वहां पर बीजेपी 6 और टीएमसी 7 लगा सकते हैं, कांटे का मुकाबला चल रहा है। तो हजारीबाग से जयंत सिन्हा आगे चल रहे हैं, आनंदपुर साहिब से मनीष तिवारी जो पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी 2014 के से बढ़िया रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुनामी कांग्रेस और विपक्षियों को उड़ा ले जा रही है और लोकसभा की जो 542 सीटें हैं उनकी वोटों की गिनती जारी है और 200 से ऊपर बीजेपी का आंकड़ा पार हो चुका है। तो ये लगा सकते हैं आप, वाराणसी से मोदी काफी आगे चल रहे हैं, यूपी में अमेठी से राहुल गांधी का पत्ता साफ होने जा रहा है, गडकरी आगे चल रहे हैं, राहुल गांधी का सफाया, स्मृति ईरानी आगे बढ़ रही है, बीजेपी दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पर आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में 28 और गठबंधन 8, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर, वो भी समझ लो सोनिया गांधी की रायबरेली हो सकती है। हमने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी हार रहे हैं लेकिन लोग हमसे सहमत नहीं थे, कांग्रेसी अपनी चीजें नहीं बोल रहे थे। बहुमत के लिए सिर्फ अब मोदी को 70 सीटें चाहिए, 69 सीटें चाहिए, बहुमत हासिल होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सारे राजस्थान में कांग्रेस का सफाया है, महाराष्ट्र में थोड़ा कांग्रेस और एनसीपी को थोड़ा सीटें मिलती दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों में। उड़ीसा में बीजेपी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 2 सीटों पर आगे बढ़ रही है और पंजाब में 1 सीट पर कांग्रेस वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा की 2 सीटें पर अभी बीजेपी आगे बढ़ रही है और टीएमसी के बंगाल में आपको लगा सकते हैं कि बीजेपी काफी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, बरेली से संतोष गंगवार आगे चल रहे हैं, यूपी के प्रतापगढ़ सीट से अमेठी से बीजेपी आगे चल रही है, सारण से राजीव प्रताप रूड़ी आगे चल रहे हैं, तमाम सीटों पर हिमाचल हमीरपुर अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं, उत्तराखंड की सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर पीछे चल रहे हैं, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी आगे चल रही है। तो ये बता दें कि रवि किशन आगे चल रहे हैं, अमित शाह आगे चल रहे हैं, सनी देओल आगे चल रहे हैं, महेश शर्मा आगे चल रहे हैं, अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं।
ये निरहुआ पीछे चल रहे हैं, ये झटका हो सकता है निरहुआ के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो पीछे चल रहे हैं, सिंधिया दिग्विजय पीछे चल रहे हैं, जयप्रदा पीछे चल रही है, ये उन्होंने रामपुर की सीट है और महेश शर्मा आगे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है नोएडा से भी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, तमाम उत्तर भारत की से पश्चिम भारत की तमाम सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 200 से ऊपर सीटें ला चुकी है, तो ये लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है यहाँ पर चुनाव में, और कांग्रेस अब ईवीएम का बहाना ढूंढेगी, तो ये बहुत बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वो जो वायनाड गए वो इसलिए गए क्योंकि अमेठी वो हार रहे थे, और वो बात सच हो रही है। और क्योंकि आपको बता दें कि स्मृति ईरानी आज भी परिणाम के दिन अमेठी में है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो वहां पर अच्छे मार्जिन से जीतने वाली हैं, राहुल गांधी को हराने वाली है, इसी वजह से अमेठी में थी। और राहुल गांधी अपने दिल्ली के दफ्तर में कल उनका ट्वीट आ गया था कि वो एग्जिट पोल फर्जी हैं, लेकिन अब रिजल्ट आने वाला है। 220 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये मेनका गांधी भी आगे चल रही है, तो ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। वरुण गांधी भी आगे चल रहे हैं, तो लगा लो कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का बहुमत आने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारी सीटों से आगे बढ़ रही है, बीजेपी 33, गठबंधन 8, कांग्रेस 2 सीटों पर। ये दूसरी सीट पता नहीं कौन सी सीट है, एक रायबरेली है वो दूसरी सीट, और कौन है। बिहार में 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, अभी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, अन्य जीरो हैं। बिहार में विपक्ष का सफाया हो रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में बीजेपी, यूपी में बीजेपी काफी आगे चल रही है। गठबंधन मायावती और अखिलेश यादव का जो ये महागठबंधन का ड्रामा था वो फेल हो गया है। यूपी के अलावा में बीएसपी आगे चल रही है, 222 सीटें मोदी को मिल रही हैं और राहुल 114 पर हैं, अन्य 80 करीबन पे हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है। तमाम वो इलाके हैं जहां महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, पश्चिम बंगाल हो, यहां पर कांग्रेस का सफाया होता हुआ नजर दिख रहा है। हर जगह मोदी मोदी, हर हर मोदी होता हुआ जा रहा है। तो ये इलाहाबाद से रीता बहुगुणा आगे चल रही है, गठबंधन का नामो निशान नहीं दिख रहा है, कांग्रेस अभी काफी पीछे है, 50% सीटें भी, दोगुनी सीटें बीजेपी को मिल गई हैं, मोदी 220 और राहुल 114 सीटों पर हैं, और अन्य अभी बहुत पीछे हैं, उनका सैकड़ा भी नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में 4 की 4 सीटें बीजेपी जीत रही है, उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें बीजेपी जीत रही है, महाराष्ट्र में 30 सीटों पर आगे चली है, बिहार में जितने भी सीटों का रुझान आया है सारी सीटें 14 की 14 सीटें अभी बीजेपी जीत रही है। आसनसोल से बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में आता है। लोकसभा की 542 सीटें, यहां पर राहुल गांधी का हारना बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी अगर हार रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हार रहे हैं, और तमाम मनीष तिवारी हार रहे हैं, खड़गे हार रहे हैं, शशि थरूर हार रहे हैं, तो राहुल गांधी की कांग्रेस का ये सफाया है समझो, क्योंकि इतने बड़े जो पूरी पार्टी है वो ही हार रही है, तो कौन जीत रहा है ये देखने की बात है। सिर्फ सोनिया गांधी एक ऐसा चेहरा है जो शायद जीत रही है रायबरेली से, लेकिन वो अभी सुराती रुझान है। अमित शाह आगे चल रहे हैं आगे से, तो बीजेपी के जितने बड़े दिग्गज हैं वो काफी वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का यहाँ पे सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, और अमेठी से भी हार रहे हैं, और पूरे उनके जितने भी साथी हैं, उनके चाटुकार नेता हैं, वो सारे हार रहे हैं। तो राहुल गांधी की कांग्रेस का कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हो रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, इससे बड़ा झटका और कुछ नहीं हो सकता, कि जितने भी उनके दिग्गज थे सबका सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। आप देख रहे हैं ये चुनावी महाभारत के समर में कांग्रेस बुरी तरह हारती नजर आ रही है, उनका योद्धा सारे जितने भी योद्धा थे सबका सफाया हो रहा है, मोदी की सुनामी के आगे सारे धराशायी हो गए हैं, सबका सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है।
मायावती की नहीं चली, अखिलेश की नहीं चली, किसी की नहीं चली, सिर्फ और सिर्फ चली मोदी की आंधी और सारे उड़ गए हैं। यहां पे बम्पर बीजेपी की भारी लहर जो बोल रहे थे मोदी लहर नहीं रही, अब मोदी लहर में सुनामी बदलकर सबको सफाया कर दिया है। सारे इस समुद्र में डूब चुके हैं, महागठबंधन डूब चुका है, राहुल गांधी की पूरी जो टीम है वो डूब चुकी है। राहुल गांधी खुद अमेठी से स्वाह होते हुए वो केरल के वायनाड में भाग गए हैं और वहां से स्मृति ईरानी ने उनको, इतनी बड़ी आंधी आई मोदी की, सीधे वायनाड में भाग गए वो, और यहां से पूरी तरह से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे दिग्विजय तो रोते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 10,000 सीटों पर दिग्विजय का जो राक्षसी हवन था वो सफल नहीं हुआ। अब उनके जो दैत्य लोग आए थे उनके हवन में, अब क्या होगा, ये बड़ी घटना है। पूरा कांग्रेसी जो पार्टी है वो डूब चुकी है, तो ये कांग्रेस का अब सफाया है। मिलते हैं आगे, जश्न की तैयारियां हो रही है पूरे देश में, कांग्रेस का सफाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जय हिंद।